सैब, यहाँ आकर मेरी मदद करो। एक मिनट रुको माँ, मैं अभी व्यस्त हूँ। ये क्या है? इसे अभी भी खाया जा सकता है। क्या बात है सैब? मुझे सब कुछ अभी बताओ। तो जब तुम दवा तैयार कर रही थी तो तुम्हें स्वाद में सुधार करने के लिए एक मसाला मिला जो खाने और पीने की चीजों को स्वादिष्ट बना सके, लेकिन जो बदला वो था कि कुछ ही घंटों में बहुत कुछ लगातार खाना और इतना वजन बढ़ जाना। अभी तक खा रही हो? माँ बस थोड़ा और। तुरंत रुक जाओ, इससे तुम्हारा वजन बढ़ता जा रहा है और तुम्हें इसकी आदत हो चुकी है। ये बात कि तुम्हारा शरीर कुछ ही घंटों में इतनी तेजी से बढ़ गया है, ये स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। और शायद यही इसका एकमात्र बुरा प्रभाव नहीं है। ठीक है, मैं इसे ले लेती हूँ और तुम्हें वापस सामान्य स्थिति में लाने के लिए इसका इलाज ढूंढती हूँ। तो मैं अब कुछ नहीं खा सकती? अरे सबरीना, तुम घर पर हो? क्या हुआ सैब? मैं कपड़े बदल रही हूँ, क्या बात है? अच्छा, आज हमें घूमने जाना है, क्या तुम भूल गई? सब गड़बड़ हो गई। ये सच है कि आज मुझे लूका के साथ घूमने जाना है। सैब, एक सच्चा दोस्त दूसरे के रूप की परवाह नहीं करता, या वो तुम्हारा प्रेमी भी हो तो। कम से कम मैं अपने पहले वाले रूप के साथ और अधिक बेहतर महसूस करूंगी। वैसे भी ये केवल कुछ समय के लिए है, तुम समझ जाओगी ऐसा क्यों है। हेलो, मैं यहाँ सबरीना से मिलने के लिए आया हूँ। वो अंदर है, आज उसे कुछ भी खाने मत देना। माँ, उस मसाले से निपटने में मेरी मदद करना। अरे सैब, इस केक को तो देखो। अरे सैब, सैब क्या तुम ये देखना चाहोगी? अगर मैं इसे देखूंगी तो मैं इसे पहनना चाहूंगी, लेकिन अगर किसी ने मुझे आईने में देख लिया तो सब खराब हो जाएगा। नहीं, इसके बारे में मत सोचो। उसको क्या हुआ है? मैंने कुछ गलत किया क्या? यहाँ बाजार में हर जगह इतनी खराब जगह है, मैं नहीं चाहते कि कोई मेरे उस रूप को देखे। हाँ? चलो झील पर टहलने चलते हैं। मैं इस तरह की भीड़भाड़ वाली जगह में नहीं रहना चाहती। ठीक है, चलो चलते हैं। हे सैब, आज तुम अजीब लग रही हो। हाँ? क्या उसने मेरा असली रूप देख लिया? मुझे नहीं पता कि तुम किस बात से परेशान हो, लेकिन मैंने आज कुछ खूबसूरत देखा है जो सैब को खुश कर सकता है। माफ करना, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। कोई बात नहीं। सबरीना, क्या तुम सच में ठीक हो? ओ, पानी में मेरी परछाई। सैब, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो बेहतर होगा कि हम घर वापस चले जाएं। ये तुम्हारी गलती नहीं है।
अगर मैं इसे छिपाती रहती तो ये अच्छा नहीं है। ये मुझे और मेरे आसपास के लोगों को प्रभावित करता है। मेरे लिए एक सेकंड रुको। सैब, ये दरअसल आज सब कुछ गड़बड़ होने का यही कारण है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मुझे समझाने दो, उससे पहले सब लोग ये गोली खा लो। माँ, वो दवा बनाने के बुरा प्रभाव के कारण था जिससे इसे बहुत भूख लगी और इसका शरीर ऐसा बन गया जैसा अभी है। मुझे इसकी भूख खत्म करने के लिए शोध करना पड़ा और ये दवा बनानी पड़ी, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि उसे कुछ भी खाने को मत देना। जादू केवल बाहर काम करता है। अगर तुम आईने में देखते हो या पानी में अपनी परछाई देखते हो तो असली छवि सामने आ जाएगी। यही कारण था कि आज पूरा दिन मैं खुश नहीं रह सकी। मैं समझ गया। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे रूप की इतनी परवाह है तो तुम गलत हो। मेरे लिए सैप का खुश होना ही काफी है, लेकिन इस रूप के साथ अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ तो मैं निश्चित रूप से करूँगा। तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन मेरा शरीर पहले जैसा क्यों नहीं हुआ? ये दवा सिर्फ भूख कम करने का काम करती है और इससे तुम्हारा वजन और नहीं बढ़ता। यदि तुम पहले की तरह स्वस्थ शरीर चाहती हो तो तुम्हें अधिक मेहनत करनी होगी। आपका मतलब है? सही बात है, मेरे पास तुम्हारे लिए हर दिन कसरत करने के लिए एक तरीका है। वजन कम करना और पौधों को पानी देने में मेरी मदद करना, ये बहुत अच्छा है।